हिंदुस्तानी सरजमी पर आने वाला है सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र। जिसके नाम से ही कांप उठेगी दुश्मनों की रूह। नाम से ही चीन पाकिस्तान को सूंघ गया सांप। दोस्तों, वो वक्त आ चुका है जब भारत और चीन के बीच तनावपूर्ण स्थिति के बीच सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र हिंदुस्तान की सरजमी पर पहुंचने वाला है। उसके नाम से ही दुश्मन देशों की रूह कांपने लगती है। इस ब्रह्मास्त्र का नाम है राफेल लड़ाकू विमान। जब से पाकिस्तान और चीन को इसके आने की भनक लगी है, तब से दोनों को सांप सूंघ गया है। चीन ने तो यहाँ तक कोशिश कर ली कि अभी इस वक्त राफेल भारत ना आ पाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंडियन एयरफोर्स के मुताबिक राफेल विमान की पहली खेप, जो कि 5 विमानों की होगी, जुलाई के आखिरी दिनों में भारत पहुंच सकती है। 29 जुलाई को इन विमानों को अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में रखा जाएगा। इसके बाद आगे तय होगा कि इन विमानों को कहां तैनात करना है। 29 जुलाई को वायुसेना में शामिल किए जाने के बाद राफेल विमान को 20 अगस्त को एक समारोह में वायुसेना में अंतिम रूप से शामिल किया जाएगा। इन राफेल की तैनाती लद्दाख सेक्टर में संभव है। वायुसेना चीन के साथ बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास अपनी क्षमताएं बढ़ाना चाहती है। लद्दाख में भारत दिन हो या रात, सर्दी हो या बारिश, हर मौसम में हर वक्त हमला करने की क्षमता डेवलप कर रहा है। राफेल इसमें उसका सबसे बड़ा हथियार साबित होगा। घातक मिसाइलों से लैस है राफेल। राफेल लड़ाकू विमान पोटेंट मेट्योर और स्कैल्प मिसाइल प्रणाली से लैस है। ये भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता में व्यापक इजाफा करेंगे। मेट्योर सिस्टम दुश्मन को हवा से हवा में ही मार गिराने की तकनीक है, जबकि स्कैल्प लंबी दूरी का क्रूज मिसाइल है। इसे इस विमान से ही लॉन्च किया जा सकता है। ये मिसाइल दुश्मन के स्थिर और गतिशील लक्ष्यों को अंदर तक जाकर भेद सकता है। मेट्योर मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर है। भारत को मिलने वाला राफेल विमान हवा से हवा में मार करने वाली बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल से लैस होगा। ये मिसाइल दुश्मन के प्लेन को बिना देखे सीधे फायर किया जा सकता है। इसमें एक्टिव रडार सीकर लगा होता है, जिससे मिसाइल को किसी भी मौसम में फायर किया जा सकता है। वहीं स्कैल्प मिसाइल या स्ट्रॉम शैडो किसी भी बंकर को आसानी से तबाह कर सकती है। इनकी रेंज लगभग 560 किलोमीटर होती है। एयरक्राफ्ट में इजराइल के हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, रडार वार्निंग रिसीवर, लो बैंड जैमर, फ्लाइट की 10 घंटे तक डेटा रिकॉर्डिंग, इंफ्रारेड सर्च और ट्रैकिंग सिस्टम रहेगा। चुटकियों में कर सकता है दुश्मन को खाक। राफेल में बहुत ऊंचाई वाले एयरबेस से भी उड़ान भरने की क्षमता है। चीन और पाकिस्तान से लगी सीमा पर ठंडे मौसम में भी विमान तेजी से काम कर सकता है। मिसाइल अटैक का सामना करने के लिए विमान में खास तकनीक का प्रयोग किया गया है। राफेल एक साथ जमीन पर से दुश्मन के हमलों को ध्वस्त करने और आसमान में आक्रमण करने में सक्षम है। जरूरत पड़ने पर परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकता है। राफेल की अधिकतम स्पीड 2,222 किलोमीटर प्रति घंटा है। भारत आने वाला 6 राफेल विमान पूर्ण रूप से कॉम्बैट रेडी पोजीशन में होंगे, जिन्हें कुछ दिनों के अंदर ही किसी भी ऑपरेशन में लगाया जा सकेगा। विमानों की पहली खेप को हरियाणा के अंबाला में तैनात किया जाएगा। राफेल को भारतीय वायुसेना की जरूरतों के हिसाब से बदला गया है। इसमें कोल्ड इंजन स्टार्ट की क्षमता है, यानी ठंड का इंजन पर कोई असर नहीं होगा। बर्फीले पहाड़ों के बीच मौजूद बेस से ये जेट आसानी से ठंड के सीजन में भी उड़ान भर सकता है। एयरफोर्स अधिकारियों ने ली है गहन ट्रेनिंग। इंडियन एयरफोर्स ने कहा कि भारतीय वायुसेना के ऑफिसर्स ने राफेल की तकनीकी पेचीदगियों को समझने के लिए इसकी व्यापक ट्रेनिंग ली है। एयरफोर्स के अधिकारियों ने इस फाइटर विमान की उच्च मारक क्षमता का गहराई से अध्ययन किया है और अब वे इस पर काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। फाइटर जेट के एयर और ग्राउंड क्रू की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। फाइटर जेट में लगे वेपन सिस्टम की ट्रेनिंग भी इन्हें दी गई है। ये सभी अब ऑपरेशनल भी हैं। वायुसेना के मुताबिक राफेल के आते ही कोशिश की जाएगी कि विमान को जल्द से जल्द ऑपरेशन लेवल तक ले जाया जाए, यानी कि इस विमान का अलग अलग उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाए। पहले 4 विमान ही आने वाले थे, मगर एयरफोर्स की रिक्वेस्ट पर फ्रांस ने 5 राफेल आखिरी जुलाई तक देने को कहा है।
22 से 24 जुलाई के बीच एयरफोर्स की एक कॉन्फ्रेंस दिल्ली में होनी है। इसमें एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया अपने कमांडर इन चीफ से बातचीत कर राफेल की तैनाती पर फैसला लेंगे। राफेल लड़ाकू विमान में भारत की जरूरतों के मुताबिक कई बदलाव किए गए हैं। इन खासियतों पर एयरफोर्स के ऑफिसर्स को विशेष रूप से ट्रेनिंग दी गई है। उन्हें न सिर्फ इसकी ऑपरेशनल जानकारी दी गई है बल्कि रखरखाव और मरम्मत के बारे में भी बताया गया है। राफेल के सामने बच्चे हैं चीनी विमान। राफेल और J-20 दोनों ही सिंगल सीटर ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट हैं। जहां चीनी J-20 का मेन रोल स्टील फाइटर का है, वहीं राफेल को कई कामों में लगाया जा सकता है। चीन J-20 का यूज दुश्मन पर नजर रखने के लिए करता है। राफेल को निगरानी के अलावा सोर्टीज और अटैक में भी आसानी से यूज किया जा सकता है। राफेल को भारत की जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई किया गया है, जो इसे चीनी J-20 से थोड़ी बढ़त देता है। अगले 2 साल में भारत को मिलेंगे 36 राफेल। भारत को फ्रांस से अगले 2 सालों में 2 स्क्वाडन में 36 राफेल विमान मिलने हैं। एयरफोर्स सूत्रों के मुताबिक पहला स्क्वाडन अम्बाला बेस से पश्चिमी कमान के लिए काम करेगा, तो दूसरे स्क्वाडन की तैनाती पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरफोर्स स्टेशन में की जाएगी, ताकि पूर्वी छोर पर चीन की किसी भी खतरे से निपटा जा सके। हाशिमारा और अम्बाला में 400 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, ताकि राफेल के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा सके। 36 में से 30 फाइटर जेट्स होंगे और 6 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट होंगे। ट्रेनर जेट्स 2 सीटर होंगे और इनमें भी फाइटर जेट्स जैसे ही सभी फीचर्स होंगे। भारत ने फ्रांस के साथ 2016 में 59,000 करोड़ में 36 राफेल फाइटर जेट की डील की थी। इस भारी भरकम सौदे पर देश की राजनीति में भूचाल आ गया था। विपक्ष ने सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ज्यादा कीमतों पर इन विमानों को खरीदने का आरोप लगाया था।